गुड मॉर्निंग। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ, आपको विशेषण से अवगत कराने जा रही हूँ। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो और उसकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। जैसे काली गाय, यहाँ पर गाय संज्ञा है और उसकी विशेषता बता रहा है कौन? काली शब्द। इसलिए क्या है, काली गाय में ये संज्ञा और ये विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उसी तरह से अच्छा लड़का, यहाँ पर लड़का के बारे में बताया जा रहा है, क्या बता रहा है? अच्छा। तो अच्छा शब्द विशेषण है, लड़का क्या है? संज्ञा है। विशेषण के चार भेद हैं, हम लोग देखेंगे विशेषण के चार भेद हैं। क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। नाम से स्पष्ट है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, दशा, स्वभाव आदि को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण को, आकार को, माने उसके रूप रंग को, उसकी दशा को, उसकी स्थिति को आदि को जो बताते हैं, आदि को बताने के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, गुणों को बताने वाले शब्द हैं जैसे अच्छा, दानी, नया, जापानी, गोल, कोमल, काला, सफ़ेद आदि, ये गुण, स्वभाव, दशा आदि को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अच्छा लड़का हमने देखा, दानी व्यक्ति, नया कपड़ा, जापानी आदमी, यहाँ गोल गेंद, कोमल फूल, काला घोड़ा, सफ़ेद गाय आदि शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग इन्हें गुणों के बारे में जानते हैं, रूप रंग आकार स्वभाव और गुणों के बारे में बताने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण वस्तु के नाप तौल आदि का बोध कराने वाले, किसी भी वस्तु के नाप तौल को बोध कराने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ ही है नाप तौल, तो नाप तौल को बताने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसके उदाहरण हम ले सकते हैं, से 2 मीटर कपड़ा, ना मीटर, इसके लिए हम लोग मीटर, लीटर, गज, किलो आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं नाप तौल के लिए। मीटर, लीटर, मिलीलीटर, गज, हाथ आदि शब्दों का प्रयोग, किलो, ग्राम आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित ना निश्चित नाप तौल हो, निश्चित नाप तौल हो उसको हम लोग कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर कपड़ा, यहाँ पर 2 मीटर, 2 शब्द जो है ये मीटर, 2 मीटर शब्द यहाँ निश्चित को बता रहा है, 2 मीटर कपड़ा। तो कपड़ा यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 2 मीटर है, तो यहाँ निश्चित है या कितना मीटर है, 2 मीटर, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, जैसे जिसमें नाप तौल का कोई निश्चित मात्रा नहीं पता है, नाप तौल हम नहीं, मैंने निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ कपड़ा, कुछ धन, बहुत पानी आदि, इन शब्दों का प्रयोग जब करते हैं तो उससे हम लोग निश्चित नहीं अनिश्चित का बोध होता है, तो इसे हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक।
विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण वाले शब्द क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं और ऐसे शब्दों को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा में हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर चार घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यह संख्या बता रहा है, कितना घोड़ा है, चार घोड़ा है, 10 लोग आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 10 शब्द इसको बता रहा है, संख्या को बता रहा है। कुछ लोग ना, यहाँ भी संख्या का बोध हो रहा है, आदमी लोग है लेकिन यहाँ पर लोग है इसलिए यह भी संख्या का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसके भी दो भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने परिमाणवाचक में देखा था उसी तरह से इसमें भी निश्चित संख्यावाचक, यानी कि संख्या यदि निश्चित है, संख्या यदि निश्चित है तो वह संख्यावाचक विशेषण है, और यहाँ संख्या यदि अनिश्चित है, जैसे यहाँ पर हमने संख्या निश्चित देखा 4 घोड़े 10 लोग, यहाँ पर 4 आम 10 गाय आदि, इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि यहाँ संख्या निश्चित है। और यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ कई, यहाँ पर थोड़ा चावल, कुछ चावल, बहुत चावल, कुछ आदमी, कई आदमी आदि शब्द जो हैं ये अनिश्चितता को प्रकट कर रहे हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो ये बताता है क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ चावल नहीं, थोड़ा थोड़ा, कुछ घोड़े हम कह सकते हैं, और यहाँ पर कुछ आदमी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत आदि शब्द का कुछ आमों के लिए, फलों के लिए, कुछ चीज के लिए आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जब कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के पहले लगाकर क्या किया जाता है, उसकी विशेषता बताया जाता है, तो उसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। किसी संज्ञा शब्द के पहले लग करके सर्वनाम शब्द विशेषता विशेषण की तरह प्रयोग होता है, उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का आज ही आया, यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, वह सर्वनाम शब्द है लेकिन संज्ञा के पहले लगकर उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो संकेत, इसको हम दूसरे शब्दों में सर्वनामिक विशेषण को क्या कह सकते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, यानी कि सर्वनाम शब्द है लेकिन इसकी ओर इशारा कर रहा है, या लड़का की ओर संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। यह गाय वहाँ थी, यह गाय वहाँ थी, यहाँ भी यह सर्वनाम है लेकिन इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है गाय के लिए, तो यह विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है और संकेत कर रहा है, इसलिए यह भी क्या है, विशेषण, यह भी क्या है, सर्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। अगला हम लोग देखेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा गाया, यहाँ पर अच्छा और गाया ये दो शब्द हैं, गाना अच्छा, तो अच्छा गाया ये यहाँ पर अच्छा विशेषण शब्द है, लेकिन इस विशेषण की विशेषता को हम बता रहा है बहुत, तो बहुत शब्द जो है वह क्या है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द जो है वो क्या?
क्या है? प्रविशेषण। उसके पास गहरे लाल रंग के कपड़े हैं। यहाँ पर गहरे लाल, लाल तो विशेषण है ही, लेकिन कैसा लाल है? गहरे लाल, गहरे रंग का लाल। तो इसलिए यहाँ पर गहरे शब्द जो है वह प्रविशेषण है। राहुल बड़ा मेहनती है। यहाँ पर राहुल, यहाँ पर मेहनती ये शब्द है विशेषण शब्द, लेकिन इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बड़ा। तो ये क्या है? प्रविशेषण। एक चीज गौर करने की बात है, यहाँ पर अंतर कैसे जानेंगे कि कौन सा संख्यावाचक है, कौन सा परिमाणवाचक है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें माप तौल, लीटर, मीटर, गज, किलो आदि शब्दों का प्रयोग। संख्या हो सकता है लेकिन उसमें लीटर, मीटर, गज आदि का प्रयोग होगा, लेकिन संख्यावाचक में क्या होगा, इसमें लीटर, मीटर आदि का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा। तो इससे हम जानेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है, और मीटर, लीटर से हम जानेंगे कि वो परिमाणवाचक विशेषण है। धन्यवाद।